दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 3.5 करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप में धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इस क्रियाकलाप को हम पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है? एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए। आगे कह रहा, तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। आगे कह रहा, स्पिरिट लैम्प मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। आगे कह रहा, थोड़े देर बाद आप क्या देखते हैं? आगे है, क्या धातु का तार द्रवित होता है? आपने अपने परीक्षणों को लिखिए। तो इस क्रियाकलाप को हमने पढ़ा, अब इस क्रियाकलाप को हम समझेंगे। एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, इस प्रयोग में कह रहा है एल्युमिनियम या कॉपर का हम एक तार लेंगे। तार कैसा होना चाहिए? जो थोड़ा सा मोटा हो, इस तरह से एल्युमिनियम या कॉपर का तार लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे? क्लैंप की मदद से स्टैंड, एक स्टैंड लेंगे और स्टैंड में क्या करेंगे, इसको कसेंगे। तार को क्या करेंगे? कसेंगे। ये हमारा क्या है? स्टैंड है। इस स्टैंड में हम तार को कस देंगे, क्लैंप की सहायता से कस देंगे। यहाँ क्लैंप लगा होगा और उस क्लैंप की सहायता से हम तार को कस देंगे, क्लैंप। ये हमारा क्या है? क्लैंप है। और ये हमारा स्टैंड है। क्या है? स्टैंड। ये हमारा स्टैंड है। स्टैंड में क्लैंप को कस देंगे और तार को क्लैंप की सहायता से स्टैंड पर कस देंगे। और तार का ये हमारा क्या है? ये क्या है? कॉपर का तार लेंगे। किसका तार लेंगे? यदि हमने कॉपर का तार लिया है, कॉपर का तार लेंगे या एल्युमिनियम का तार लेंगे, तो इस तरह से प्रयोग कह रहा है। आगे कह रहा है, तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग। ये तार के खुले सिरे पर, एक खुला सिरा है, यहाँ हम क्या करेंगे? मोम ऐसे क्या करेंगे? खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका देंगे। इसमें क्या करेंगे? एक एक पिन ऐसे चिपका देंगे। ऐसे क्या करेंगे? पतला सा पिन मोम में चिपका देंगे, दबा करके मोम लगा देंगे और एक पिन चिपका देंगे। स्पिरिट लैम्प या मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? एक स्पिरिट लैम्प रखेंगे। यहाँ क्या करेंगे? एक स्पिरिट लैम्प रखेंगे और स्पिरिट लैम्प को चालू करेंगे। ये हमारा स्पिरिट लैम्प है। तो स्पिरिट लैम्प यहाँ रखेंगे और स्पिरिट लैम्प को ये तेज़ धीमा करने के लिए क्या लगा है? ये रेगुलेटर लगा है, इससे तेज़ धीम कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? स्पिरिट लैम्प को चालू करेंगे, स्टैंड के पास रख करके ये तार को गर्म करेंगे। तार को क्या करेंगे? ये हमारा क्या है? तार है। ये खुला सिरा है। क्या है? खुला सिरा। तार का खुला सिरा, ये हमारा तार है। ये हमारा तार है। ये तार है, कॉपर का तार है। ये खुला सिरा है। ये स्पिरिट लैम्प है। ये हमारा बर्नर की ज्वाला है। क्या है? बर्नर की ज्वाला। इस तरह से गर्म करेंगे। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? गरम कीजिए, थोड़े देर बाद आप क्या देखते हैं? थोड़े देर बाद क्या करेंगे? देखेंगे, ये जो हमारा क्या है? मोमबत्ती जो हमने चिपकाया था, इस पर क्या था? मोम लगाया था। इसमें क्या लगाया था? मोम लगाया था और मोम में पिन लगाया था। तो थोड़े देर बाद हम देखेंगे, थोड़े देर बाद क्या होगा? थोड़े देर बाद ये पिन क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। पिन क्या होगा? पिन नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा। आगे क्या कह रहा है? क्या धातु का तार द्रवित होता है? तो ये धातु का तार द्रवित होकर के जो हमने बाद में लगाया था, मोम में लगाया था, वो गिर गया। अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब हम इसका प्रेक्षण करेंगे। तो धातु का तार क्या है? यहाँ गर्म करते हैं तो पूरा तार हमारा क्या हो जाता है? पूरा तार गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है? तार क्या होता है? धातुएं क्या होती? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक। इस प्रयोग से इस बात का पता चलता है, इसमें हम कॉपर का तार ले सकते हैं, एल्युमिनियम का तार ले सकते हैं, सोने का तार ले सकते हैं, चांदी का तार ले सकते हैं,
यानी धातुओं का कोई भी तार लेकर के इस प्रयोग को हम करेंगे। तो यह देखा गया है, एनसीईआरटी की किताब में बताया गया है, चांदी चांदी और तांबा, चांदी और तांबा, चांदी और तांबा सबसे ज़्यादा क्या होता है, चांदी और तांबा सबसे ज़्यादा क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक भी कह सकते हैं। इस प्रयोग से ऊष्मा का सुचालक का पता चलता है, ऊष्मा ऊष्मा का सुचालक होता है, का सुचालक सुचालक होता है, सुचालक होता है, जो एनसीईआरटी के किताब में दिया गया है, चांदी और तांबा सबसे ज़्यादा ऊष्मा का सुचालक होता है। यदि कोई प्रश्न आता है तो चांदी और तांबा पे हम चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यह एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। सबसे कम सुचालक धातु होती है, सबसे कम ऊष्मा सुचालक, सबसे कम ऊष्मा सुचालक धातु कौन सी होती है, सबसे कम ऊष्मा सुचालक धातु होती है, क्या होती है, लेड, लेड लेड और जो है पारा, जो हमारा क्या होता है पारा, जो ये दो धातुएं हैं ये सबसे कम सुचालक होती हैं, यानी सबसे ज़्यादा सुचालक चांदी और तांबा होता है, सबसे कम सुचालक लेड और पारा होता है, यह एनसीईआरटी के किताब में दिया गया है। इस प्रयोग को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग धातुओं के साथ कर सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है, सभी धातुएं क्या होती हैं, सभी धातुएं क्या होता है, सभी सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, सभी धातुएं धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, ऊष्मा की सुचालक सुचालक होती है, सभी धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती है। तो इस प्रयोग से हमको ये बात पता चलता है। और ऊष्मा सुचालक का क्या प्रयोग है, यानी हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा सुचालक का क्या प्रयोग होता है, इसके प्रयोग से हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ होता है। ऊष्मा सुचालक धातुओं में होता है, और ऊष्मा सुचालक के गुण का प्रयोग करके हम अपने घरों में बर्तन, जो बर्तन होता है, बर्तन जो खाना पकाने के काम आता है, कैसा आता है, खाना खाना पकाने वाले बर्तन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक 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 होने के कारण क्या होता है, खाना आसानी से पक जाता है और बर्तन नष्ट नहीं होता है। इसलिए खाना पकाने में आप प्लास्टिक लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है, खाना पकाने के लिए धातुओं का प्रयोग किया। हमने देखा होगा एल्युमिनियम का बर्तन होता है खाना पकाने के लिए, एल्युमिनियम एल्युमिनियम का बर्तन होता है, लोहे का बर्तन होता है, लोहे का तावा होता है जिसमें हम रोटी बनती है, लोहा का क्या होता है, तावा होता है जिसपे रोटी बनती है, एल्युमिनियम लोहा और क्या होता है, तांबे का भी बर्तन होता है, तीसरा तांबे तांबे के बर्तन भी होते हैं। ये सब क्या करते हैं, खाना पकाने के काम आते हैं, इसमें खाना तो पक जाता है लेकिन ये एल्युमिनियम लोहा और तांबा ये नष्ट नहीं होता है, यानी ये ऊष्मा का सुचालक होता है और ऊष्मा दे जाता है, जिसके कारण से हमारा, जैसे ये कोई पात्र है, यदि कोई पात्र है, यदि ये लोहे का पात्र है, तांबे का है, एल्युमिनियम का है, और इसमें हम खाना पकाते हैं तो क्या होता है, इसमें हम आग जलाते हैं, लौ जलाते हैं, तो लौ जलाया जाता है तो क्या होता है, ये लौ के कारण से ये ऊष्मा क्या, पूरा पात्र गर्म हो जाता है, और पात्र गर्म होने के कारण से ये इसमें क्या होता है, पूरी तरह से ऊष्मा, ये भोज पदार्थ को, जैसे चावल है, दाल है, यानी बराबर से ऊष्मा मिलती है, इसके कारण से हमारा एल्युमिनियम का पात्र हो, लोहे का पात्र हो, और तांबे का पात्र हो, ये नष्ट नहीं होता, बार बार हम ये नष्ट नहीं होता, इसे बार बार क्या कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं ऊष्मा धातुओं का, ऊष्मा सुचालक, जो ऊष्मा का सुचालक होती हैं धातुएं, उसका प्रयोग करके हम भोजन के पात्र या बर्तन बनाते हैं। अब हम अगला क्रियाकलाप देखेंगे। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 3.6 करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप में धातुओं के भौतिक गुण धर्म के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है, एक विद्युत सर्किट तैयार कीजिए
दो टर्मिनलों के बीच क्रम से धातुओं के टुकड़ों की विद्युत चालकता की जांच कीजिए। तो हमको क्या करना है, एक विद्युत सर्किट तैयार करना है। विद्युत सर्किट तैयार करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। एक क्या ज़रूरत है, एक बल्ब की ज़रूरत है। एक हमारे पास क्या होना चाहिए, बल्ब। क्या होना चाहिए, बल्ब। एक बल्ब होना चाहिए और थोड़ा सा तार होना चाहिए, वायर होना चाहिए, तार वायर होना चाहिए। एक सामान्य बल्ब, दूसरा तार और तीसरा एक स्विच। एक क्या चाहिए, स्विच। स्विच ये हमारे पास एक चाहिए, स्विच तीसरा सामान है। और क्या चाहिए, ये बल्ब, स्विच और बैटरी। ये चौथा सामान क्या, बैटरी चाहिए। एक हमारा चाहिए बैटरी, एक चाहिए बैटरी। आप मोबाइल की बैटरी का भी यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी या छोटी कोई बैटरी का यूज कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम सर्किट बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक बैटरी। हम यहाँ एक बैटरी जोड़ देंगे, बैटरी का धन सिरा और ये बैटरी का ऋण सिरा। इधर एक बैटरी जोड़ देंगे और इधर क्या कर देंगे, इधर एक बल्ब जोड़ देंगे। यहाँ क्या करेंगे, एक बल्ब जोड़ देंगे और ये दो टर्मिनल बनाएंगे। एक सिरा ये तार से ऐसे जोड़ देंगे और दूसरे में क्या करेंगे, यहाँ एक स्विच जोड़ेंगे। क्या लगाए देंगे, एक स्विच लगा देंगे। ये क्या होगा हमारा, स्विच। ये क्या है, स्विच है। और इस तरह से सर्किट का ये बी टर्मिनल, इसको क्या कहेंगे, बी टर्मिनल। ये क्या कहेंगे, टर्मिनल, टर्मिनल। ये बैटरी का क्या है, बी टर्मिनल। ये क्या है, टर्मिनल। बैटरी का ए और बी टर्मिनल है और इसी टर्मिनल के बीच हम धातुओं के टुकड़ों को टर्मिनल। तो इस तरह से इसके धातु के टुकड़ों को इस पर रख करके चेक करेंगे। तो ये हमारा स्विच है, ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब। ये बल्ब है और ये हमारा बैटरी है, ये हमारा क्या है, बैटरी है और ये हमारा स्विच है। तो इस तरह से हमारा एक परिपथ तैयार होता है और इस परिपथ के बीच दो टर्मिनल है। इन ए बी क्या है, टर्मिनल है। टर्मिनलों के बीच क्या करेंगे, धातु, धातु रखेंगे। क्या रखेंगे, धातु के टुकड़ों को रखेंगे, धातु के टुकड़ों को रखेंगे। इसमें हम क्या रखेंगे, सोना, सोने का टुकड़ा रखेंगे, चांदी का टुकड़ा रखेंगे, सोना AU, चांदी AG और कॉपर CU, एल्युमिनियम AL, इस तरह से मैग्नीशियम MG। इस तरह से हम अलग अलग टुकड़ों को रख करके और चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, इस तरह हमारी सर्किट तैयार होती है। इसके बीच क्या करते हैं, कस देते हैं। एक बार हम सोने का टुकड़ा, सोने का तार या सोने का कोई टुकड़ा है, इसके बीच कस देते हैं। उसके बाद स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। यदि बल्ब जल जाता है तो इससे क्या पता चलता है कि सोने में विद्युत धारा बहती है। इसी तरह हम चांदी लेंगे, क्या लेंगे, ये हमारा सोना, इसके बाद चांदी लेंगे। चांदी के एक तार को या टुकड़े को इस पर क्या करेंगे, ए और बी टर्मिनल के बीच कस देंगे, फिर स्विच ऑन करेंगे, देखते हैं कि बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। इसी तरह सभी धातुओं को बारी बारी से लेकर के हम इस प्रयोग को करते हैं। तो क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि सभी धातुओं में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सभी धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि इन टर्मिनलों के बीच हम प्लास्टिक रखकर कसते हैं, लकड़ी कसते हैं, यानी कुचालक वस्तुओं के साथ इसको टर्मिनल पर कसते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो बल्ब नहीं जलता है। तो इस तरह से हम इस प्रोजेक्ट से, इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि धातुएं क्या होती हैं, सभी धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती, विद्युत की सुचालक होती हैं। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इस क्रियाकलाप से हमको ये पता चलता है सभी धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। इसलिए हम अपने घरों में विद्युत तार का उपयोग करते हैं, धातु के तार का उपयोग करते हैं और सबसे ज़्यादा सुचालक धातु आपको पता है, सबसे ज़्यादा विद्युत सुचालक और ऊष्मा का सुचालक दो धातुएं हैं, क्या है, चांदी और तांबा। ये सबसे ज़्यादा सुचालक धातु है। आपको पता होना चाहिए कि एक ग्राम NCERT किताब में दिया गया है, एक ग्राम सोने से क्या होगा, एक ग्राम सोने से दो किलोमीटर पतला तार बनाया जा सकता है। इस तरह से
हमने पिछले क्रियाकलाप में 3.45 में 3.5 में क्या जाना था कि धातुओं में ऊष्मा का, ऊष्मा क्या होता है, धातुओं में ऊष्मा का, ऊष्मा चालक होता है, धातुएं क्या होती है, ऊष्मा की चालक होती हैं। ये पिछले क्रियाकलाप में देखा चालक, धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की चालक होती हैं। ये क्रियाकलाप हमारा था 3.5। और इस क्रियाकलाप में हमने जाना कि धातुएं क्या होती हैं, धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और इस क्रियाकलाप में जाना हमने क्या है, क्रियाकलाप 3.6 में हमने जाना धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, विद्युत विद्युत सुचालक होती हैं, सुचालक धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती है। इस क्रियाकलाप से हमने जाना कि धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं। और इस विद्युत ऊष्मा चालक का प्रयोग क्या होता, बर्तन के लिए, बर्तन के रूप में, जो हमारा बर्तन होता, खाने पीने के बर्तन होते हैं, खाना पकाने के बर्तन होते हैं, इन बर्तनों में क्या होता है, ये ऊष्मा चालक के कारण से इन बर्तनों का प्रयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है। इस तरह से यदि प्रश्न आता है कि बर्तन का प्रयोग किस घटना के कारण किया जाता है, ऊष्मा चालन के कारण से बर्तन का प्रयोग किया जाता है जिससे खाना पकाया जाता है। और विद्युत सुचालन का प्रयोग धातुओं को तार बनाने में और विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए धातुओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो हमने इस क्रियाकलाप को अच्छे से समझा, अब हम आगे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 3.7 करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप में अधातुओं के भौतिक गुण धर्म के बारे में बताया गया। सबसे पहले क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा, कार्बन ब्रैकेट में कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्रित कीजिए। आगे कह रहा है, धातुओं की तरह से क्रियाकलाप 3.1 से 3.6 तक कीजिए। तो सबसे पहले अब हम क्रियाकलाप को क्या करेंगे, समझेंगे। तो हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है, कार्बन, कार्बन क्या होता है, कार्बन सी होता है, और कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं, कोल यानी कोयला, कोल माने कोयला, अगला है ग्रेफाइट, क्या है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल का नोक होता है ग्रेफाइट होता है, एक और होता है इसका अपर रूप कार्बन का, कार्बन का हीरा होता है, क्या होता है हीरा, ये तीन अपर रूप कार्बन के होते हैं। तो इसमें कह रहा हमारा क्रियाकलाप कह रहा, कार्बन के तीन अपर रूप में दो अपर रूप दिया गया है, कोल यानी कोयला और दूसरा दिया गया ग्रेफाइट, कोल या कोयला, इसमें से कोई एक लेना है, इसमें से कोई एक लेना है। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले कोयला लेंगे, कोल लेंगे, कोयला लकड़ी का कोयला या जो है आप पत्थर का कोयला, सब क्या होता है कार्बन होता है, क्या होता है कार्बन। तो एक हमारा हो गया कोल, दूसरा क्या लेंगे सल्फर, दूसरा क्या हमारा सल्फर है, सल्फर दूसरा क्या है सल्फर, और तीसरा क्या है आयोडीन, तीसरा नमूना है आयोडीन, ये आयोडीन ये तीसरा नमूना है। इसको क्या करेंगे, हम केमिस्ट की दुकान से खरीद लेंगे, कोल तो हम लकड़ी का कोयला या पत्थर का कोयला कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसको क्या कहें सल्फर को कहाँ से खरीदेंगे, केमिस्ट की दुकान से खरीदेंगे, जहाँ प्रयोगशाला का सामान मिलता है वहीं से आयोडीन भी खरीद लेंगे। तो सल्फर क्या होता है पीले रंग का होता है, सल्फर क्या होता है पीले रंग का होता है, आप जानते हैं कि सल्फर का काम होता है, इसे गंधक कहते हैं, क्या कहते हैं गंधक, सल्फर को क्या कहा जाता है गंधक, क्या कहा जाता है गंधक। और आयोडीन कहाँ मिला होता है, नमक में मिला होता है, ये क्या होता है नमक में आयोडीन होता है। तो इन तीन नमूने को इकट्ठा करेंगे, और तीन नमूने इकट्ठा होने के बाद क्या करेंगे, धातुओं की तरह से क्रियाकलाप 3.1 से लेकर 3.6 तक करेंगे। तो हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा था धातुओं के क्रियाकलाप के बारे में। तो पहला क्रियाकलाप था 3.1, 3.1 में क्या था, हम धातुओं को रेक मार्क से रगड़े थे, धातुओं का सतह को चक किए थे, पहला प्रयोग था सतह का चक करना। दूसरा क्रियाकलाप था कठोरता, कठोरता को चक किया गया था चाकू से काट करके, चाकू से काट करके हम क्या किए थे धातुओं की कठोरता को चक किए थे। अगला क्रियाकलाप है 3.3 में धातुओं का कौन सा गुण चक हुआ था, आघात वर्धता यानी धातुओं को पीटा गया था, इसमें क्या किया गया था पीटना पीटा गया था, और
अगला है तन्यता यानी तार खींचने वाला प्रयोग था। धातुएं क्या होती है? तन्य होती है, खींची जा सकती है, यानी तार बनाया जाता है। धातुओं का क्या बनाया जाता है? तार बनाया जाता है। और अगला प्रयोग हमने किया था, क्रियाकलाप किया था 3.5। 3.5 में क्या था? चालकता टेस्ट किया था, विद्युत चालकता चेक चेक किया था, कुचालक और सुचालक चेक किया गया था। सुचालक धातुएं क्या होती हैं? सुचालक का चेक किया गया था। अगला क्रियाकलाप 3.6 में क्या किया गया था? उनकी आवाज़ चेक की गई, ध्वनिकता माने आवाज़, क्या चेक किया गया था? आवाज़। ये हमारा क्रियाकलाप धातुओं के साथ हमने किया था। अब इस क्रियाकलाप को अधातुओं के साथ करेंगे। तो अधातु हमारा क्या है? पहला कोल, कोल क्या माने? कोयला। एक क्या लेंगे? कोयला लेंगे। इसका संकेत है सी, कार्बन का संकेत सी है, इसको क्या करेंगे? कोल या कोयला लिखेंगे। कोल लेंगे, इसका संकेत सी है। सतह का प्रकार क्या होगा? काला सतह। सतह कैसा होता है? काला होता है। आगे हम लिखेंगे कठोरता, ये क्या होता है? कठोर होता है। कोयला क्या होता है? लकड़ी का कोयला या पत्थर का कोयला कठोर होता है, यानी कठोर लिखेंगे। कठोर अधिक कठोर नहीं होता है लेकिन कठोर होता है। घात वर्धता, आघात वर्धता क्या पीटने पर फैलता है? तो लिखेंगे नहीं, ये आघात वर्ध नहीं होता है। अगला तन्यता, क्या इसे तार बनाया जा सकता? नहीं। ये हमारे अधातुओं के क्रियाकलाप के बारे में है। एक एक क्रियाकलाप को हम कम समय में सीखेंगे। इस क्रियाकलाप में 3.1 से लेकर के 3.6 तक क्रियाकलाप को दिया गया है, जिसके द्वारा हम कम समय में समझ सके। विद्युत चालकता, कोयले में विद्युत बहता है? नहीं, यहाँ भी नहीं भरेंगे। और क्या पीटने पर कुछ की आवाज़ आती है? नहीं। तो इस तरह से हमने क्या चेक किया? कोयले को चेक किया। इसके स्थान पर यदि हम क्या करें, यदि ग्रेफाइट लेंगे, यहाँ क्या ले सकते हैं? यदि ग्रेफाइट लेंगे, ग्रेफाइट यदि हम ग्रेफाइट लें तो भी इसका संकेत सी होगा। ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल का नोक होता है। और क्या होता है उसका सतह? क्या होता है उसका भी सतह? भूरा होता है। कैसा होता है? काला नाक हो करके भूरा होता है, भूरा होता है। कठोर ग्रेफाइट कठोर होता, सही है। आघात वर्धता यानी पीटने पर फैलेगा, नहीं, ये भी सही है। तन्यता तार्क बनाया जा सकता, नहीं। विद्युत चालकता, हाँ, इसमें क्या होता है? ये विद्युत चालकता का गुण होता, हाँ, यहाँ भरा जाएगा, हाँ। ध्वनि, उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है, पीटने पर नहीं, ये सही है। तो इस तरह हम ग्रेफाइट लेंगे। अगला क्या लेंगे? इसमें सल्फर लेंगे। क्या लेंगे? सल्फर, सल्फर, सल्फर लेंगे। तो सल्फर का संकेत हमारा होता है, चिन्ह होता है एस। सल्फर का क्या होता है? एस। और किस कलर का होता है? सतह कैसा होता है? क्या चमकदार सतह होती है? सल्फर की चमकदार सतह नहीं होता। प्रयोग से देखेंगे क्रियाकलाप 3.1 में, तो इस सतह क्या होती है? चमकदार नहीं होती है। और क्या होती? पीले रंग की होती है। यदि हम रंग लिखना चाहें तो पीले रंग का लिख सकते हैं। और क्या होता है? कठोर होता है। सल्फर क्या होता है? कठोर नहीं होता, कठोर बिल्कुल कठोर नहीं होता है। एकदम से क्या होता है? जैसे पाउडर नुमा होता है, बहुत मुलायम होता है। तो क्या लिखेंगे? नहीं, यहाँ लिखेंगे कठोरता नहीं होती है। इसको क्या पीटने पर फैलेगा? नहीं। अगला है तन्यता, क्या इसे तार बनाया जा सकता? नहीं। क्या इसमें विद्युत बहेगा? नहीं। यहाँ क्या है? नहीं लिखा जाएगा, यहाँ क्या रहेगा? नहीं। और क्या है? ध्वनि आवाज़ उत्पन्न होती है लोहे की तरह से? नहीं। इस तरह से सल्फर हो गया। अब हम जानेंगे कुछ धातुओं और अधातुओं के अपवाद, अपवाद के बारे में जानेंगे। धातुओं और अधातुओं के बीच क्या अपवाद है? कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अधातुओं की तरह से गुण प्रदर्शित करती हैं। अब हम धातु अधातु के अपवाद के बारे में जानेंगे। अब हम धातु अधातु के अपवाद के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? जानेंगे अपवाद क्या है। ये तीन अपवाद हैं, तीन अपवाद को हम समझेंगे। पहला अपवाद है मरकरी। क्या है? HG। ये क्या होता है? मरकरी पारा कहते हैं। मरकरी, मरकरी यानी पारा। क्या होता है? मरकरी पारा। ये क्या होता है? ये धातु है। क्या है? धातु है। लेकिन क्या होता है? ये सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, जो कि ऐसा कोई भी धातु नहीं होती है। तो ये अपवाद याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा अपवाद है सोडियम।
सोडियम, सोडियम और क्या है, गैलेनियम, 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 ये क्या होता है, गैलेनियम क्या है, मुलायम धातु, सोडियम और गैलेनियम क्या है, मुलायम धातु है, मुलायम, मुलायम धातु है, जो कि कोई भी धातु मुलायम नहीं होती है। तो ये दूसरा अपवाद है, सोडियम और गैलेनियम क्या होती है, मुलायम धातु है। और अगला तीसरा अपवाद है, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन, आयोडीन ये धातुओं की तरह से चमकीला होता है, धातुओं, धातुओं की तरह से क्या होता है, धातुओं की तरह से चमकीला होता है, तरह से चमकीला होता है। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा अपवाद, ये तीसरा अपवाद है। और चौथा अपवाद है हीरा, हीरा ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट और ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट और कोल माने कोयला, ये क्या है, ये क्या है, तीनों कार्बन के अपर रूप हैं, ये तीनों क्या हैं, कार्बन के अपर रूप हैं। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट इसमें धारा बहती है, ग्रेफाइट धातुओं की तरह का व्यवहार होता है, ग्रेफाइट अधातु है, ये क्या है, अधातु, अधातु है, ये अधातु है, अधातु है, लेकिन इसका गुण क्या होता है, इसमें विद्युत धारा बहती है, या इसमें ग्रेफाइट में क्या होता है, विद्युत, विद्युत सुचालक है, विद्युत, विद्युत सुचालक है, चालक, जो कि धातुओं के गुण के चालक, विद्युत सुचालक है। अगला है हीरा क्या होता है, ये क्या हो, कठोर होता है, कठोर होता है, ये सबसे कठोर धातु क्या होती है, हीरा होती है, लेकिन ये धातु नहीं है, ये कार्बन क्या है, अधातु है, सबसे कठोर अधातु क्या है, हीरा है, जो धातुओं से भी ज़्यादा कठोर होता है। तो इस तरह से चार अपवाद इसमें है। मरकरी पारा कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होती है, कोई भी धातु द्रवावस्था में नहीं होती है। अगला है सोडियम गैलेनियम मुलायम धातु है, सोडियम और गैलेनियम मुलायम धातु हैं और सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। आयोडीन धातुओं की तरह चमकीला होता है, आयोडीन धातुओं की तरह चमकीला होता है, ये आयोडीन भी क्या है, अधातु है। हीरा ग्रेफाइट और कोल ये क्या है, सभी क्या है, अधातु है, हीरा ग्रेफाइट और कोल सभी अधातु है, अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट में विद्युत धारा बहती है और हीरा कठोर है जो कि अधातु होते हुए, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटा है, इसको हम जरूर याद रखेंगे। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 3.8 के बारे में जानेंगे। इस क्रियाकलाप में धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बताया गया है। सबसे पहले क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो क्रियाकलाप हमारा कह रहा है, मैग्नीशियम की पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर लीजिए। आगे कह रहा है, मैग्नीशियम पट्टी का दहन कीजिए। आगे है, उसकी राख को इकट्ठा करके उसमें पानी में घोल दीजिए। आगे क्या कह रहा है, लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। आगे है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिलता है वह अम्लीय है या क्षारीय है। आगे क्या कह रहा है, अब सल्फर के चूर्ण को दहन कीजिए। दहन से प्राप्त धुएं को एकत्रित करने के लिए उसके ऊपर एक परख नली रख दीजिए। आगे क्या कह रहा है, इस परख नली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला लीजिए। आगे है, नीले तथा लाल लिटमस पेपर से विलयन की जांच कीजिए। आगे है, सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। आगे है, क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्रियाकलाप हुआ, अब हमने क्रियाकलाप को पढ़ा है, अब हम इस क्रियाकलाप को समझेंगे। इस क्रियाकलाप में बहुत थोड़ी सी बात समझना है। इस क्रियाकलाप में एक मैग्नीशियम दिया गया है और दूसरा सल्फर दिया गया है। मैग्नीशियम क्या है, धातु है, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, और सल्फर क्या है, अधातु है, सल्फर क्या है, अधातु है। तो इस क्रियाकलाप में सबसे पहला क्रियाकलाप इसलिए दिया गया है, सल्फर, सल्फर और ये सल्फर है और ये हमारा मैग्नीशियम है, ये धातु है और ये अधातु है। धातुओं और अधातुओं को तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इस क्रियाकलाप में दिया गया। तो पहले हम धातु का अध्ययन करेंगे, धातु कैसा होता है, धातु का प्रयोग करेंगे, लिटमस टेस्ट करेंगे और उसे जलाकर टेस्ट करेंगे
कि ये धातु अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। ठीक इसी प्रकार अधातु लेंगे सल्फर और इसका भी टेस्ट करेंगे कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। तो इस तरह से क्रियाकलाप को हम थोड़े शब्दों में समझ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्रियाकलाप को करेंगे। तो क्रियाकलाप हमारा क्या कह रहा, मैग्नीशियम, पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का क्रियाकलाप करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, धातु का, अधातु का सल्फर का क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप हमारा क्या कह रहा है, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम पट्टी का दहन कीजिए। एक मैग्नीशियम की पट्टी लेंगे, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, एक पट्टी लेंगे और इसको क्या करेंगे, जलाएंगे। इस पट्टी को क्या करेंगे, हवा में दहन करेंगे, इस पट्टी को दहन करेंगे। आगे क्या कह रहा, उसकी राख को इकट्ठा करेंगे, जो राख बच जाएगी दहन करने के बाद क्या बचेगी, ये राख बचती है। इस तरह से राख हमारी क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे राख, ये क्या करेंगे, राख को इकट्ठा करेंगे और उसमें पानी मिला देंगे, उसमें पानी मिला देंगे। इसमें क्या करेंगे, परख नली लेंगे और परख नली में इकट्ठा करके राख को इकट्ठा करेंगे और इसमें राख रहेगा और पानी मिला देंगे, राख H2O जल और राख, इसका राख, इसका राख रहेगा, मैग्नीशियम का राख रहेगा Mg, ये क्या है, मैग्नीशियम का राख रहेगा Mg, मैग्नीशियम का राख रहेगा इस परख नली में। आगे क्या कह रहा है, लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे, लाल लिटमस टेस्ट करेंगे और प्लस नीला, ये नीला लिटमस टेस्ट, नीला लिटमस टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, यदि आप टेस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि ये जो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्रिया क्या होगी, जब मैग्नीशियम को जलाएंगे, हवा में जलाएंगे मैग्नीशियम को, वायर को जलाएंगे ऑक्सीजन से क्रिया करके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम MgO बनाता है, ये क्या होगा, MgO बनाता है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो MgO क्या होता है, क्षारीय होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या विलयन होता है, क्षारीय। ये कैसा विलयन प्राप्त होगा, क्षारीय विलयन प्राप्त होगा, यानी क्षारक विलयन प्राप्त होगा। कैसा विलयन प्राप्त होगा, क्षारक विलयन हमारा प्राप्त होगा। तो क्षारक विलयन क्या होगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये नीला मिलेगा और नीला भी, नीला लिटमस पेपर भी नीला ही रहेगा, नीला नीला ही रहता है। तो इस तरह से हमारा ये प्रयोग हुआ। और आगे क्या कह रहा है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिलता है वह अम्लीय है या क्षारीय। तो इसका उत्तर होगा क्षारिक, क्षारीय है, क्या है, क्षारक है, क्या है, क्षारक है या क्षारीय है, इसका उत्तर ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, अब सल्फर के चूर्ण को दहन कीजिए। अब हम इसके स्थान पर क्या करेंगे, सल्फर का चूर लेंगे। हमने मैग्नीशियम का चूर लिया था, मैग्नीशियम क्या थी, धातु थी। अब हम क्या लेंगे, सल्फर लेंगे। सल्फर क्या है, अधातु है। सल्फर हमारा क्या है, अधातु है। सल्फर का चूर लेंगे, क्या कह रहा है, सल्फर का, यहाँ क्या, पहले चित्र थोड़ा सा बनाएंगे। सल्फर का चूर है, सल्फर का संकेत यस होता है, क्या है, चूर। सल्फर का क्या है, चूर। सल्फर का चूर लेंगे, आगे क्या कह रहा है, चूर को दहन कीजिए। सल्फर के चूर को दहन करने के लिए क्या लेंगे, एक चाइना डिस्क लेंगे, क्या होगा, चाइना डिस्क, क्या कहलाता है, चाइना, चाइना डिस्क, चाइना डिस्क लेंगे और डिस्क में क्या करेंगे, सल्फर का चूर रख देंगे, क्या रख देंगे, सल्फर चूर। और सल्फर चूर रख करके इसे बर्नर से क्या करेंगे, जलाएंगे, इसे बर्नर से जलाएंगे या स्पीड लैम्प से जलाएंगे, तो क्या होगा, ये दहन हो जाएगा, क्या होगा, दहन होगा, सल्फर दहन होगा। तो दहन होकर क्या बनेगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, SO2 गैस बनेगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब क्या कह रहा है, दहन कीजिए, दहन से प्राप्त धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर एक परख नली रख दीजिए। आप क्या करेंगे, जो धुआं निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, धुआं, इस तरह से धुआं निकलेगा, ये धुआं निकलेगा इस तरह, ये बादल की तरह से धुआं निकलेगा। धुआं को इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर उलट करके परख नली को, हम इस तरह परख नली को इसके ऊपर लगा देंगे, इसमें धुआं भर जाएगा। आगे क्या कह रहा है, इस परख नली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएंगे। अब परख नली में धुआं इकट्ठा हो गया, अब परख नली में क्या करेंगे, जल डालेंगे। परख नली में क्या इकट्ठा हो गया, धुआं, किसका धुआं, सल्फर, सल्फर का धुआं निकल गया, किसका धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं, ये सल्फर का धुआं, इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं,
इसमें क्या रहेगा और क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, जल H2O मिलाएंगे। ये कह रहा आगे क्या कह रहा है, नीले तथा लाल लिटमस पेपर से विलयन की जांच करेंगे, जिस तरह से हमने मैग्नीशियम के साथ किया था, इस तरह से नीला लिटमस इसमें टेस्ट मारेंगे, किसके साथ टेस्ट मारेंगे, नीला लिटमस के साथ और लाल लिटमस के साथ इसका टेस्ट किया जाएगा। तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड क्या गैस क्या होती है, ये अम्लीय होती है, क्या होती है, अम्लीय। तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और लाल लाल ही रहेगा, नीला क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस पेपर हमारा लाल ही रहेगा। तो इस क्रियाकलाप को हमने चेक किया, इससे क्या पता चलता है, ये विलयन क्या है, क्षारीय अम्लीय, सॉरी यह विलयन क्या है, अम्लीय है। ये विलयन हमको कैसा मिल गया, तो यहाँ प्रश्न कह रहा, आगे कह रहा, सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, तो इसका उत्तर होगा अम्लीय है, इसका उत्तर क्या होगा, अम्लीय है। अब क्या कह रहा, आखिर में क्या कह रहा, क्या आप इस अभिक्रिया के समीकरण लिख सकते हैं, तो हाँ हम इस अभिक्रिया के समीकरण पहले लिख चुके हैं, मैग्नीशियम की अभिक्रिया का समीकरण हमने लिखा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनता है ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने पर, और सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इस तरह से अभिक्रिया करके गैस बनता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को हम बहुत सरलता से समझ सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि मैग्नीशियम जो धातुओं का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारक होता है, क्षारीय होता है, और अधातुओं का ऑक्साइड अक्सर क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये बात पूरी रूप से सही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में सही है। मैग्नीशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ और धातुओं के साथ, धातुओं का ऑक्साइड अक्सर क्या होता है, अम्लीय क्षारीय होता है, धातुओं का ऑक्साइड अक्सर क्षारीय होता है, अधातुओं का ऑक्साइड क्या होता है, हवा में जलता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। इसको हम सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, यदि ये सब बातें थोड़ी थोड़ी याद रखेंगे तो हमको बोर्ड परीक्षा में या किसी परीक्षा में समीकरण लिखने में काफ़ी सुविधा होगी। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम धातु अधातु के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कह रहा, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो 1 कमरे के ताप पर द्रव होती है, 2 दूसरा है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तीसरा है उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, और चौथा है उष्मा की कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है 2, आघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को हम समझेंगे। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन 1 में क्या है, ऐसी धातुओं का है, धातुओं का उदाहरण देना है, धातु है और ये उदाहरण देना है, क्या उदाहरण देना है। इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। तो ये धातु का उदाहरण देना है, और पहला क्वेश्चन में पहला उदाहरण है, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। इस तरह से 4 प्रश्न हैं और चारों के 4 आंसर हैं। तो एक एक को हम करते हैं। क्या कह रहा, कमरे के ताप पर द्रव होती है, यानी क्या करना है, धातु, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, इसका उत्तर होता है मरकरी, क्या होता है, मरकरी, 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 यानी इसे पारा कहते हैं, ये क्या कहलाता है, पारा, इसका उत्तर है मरकरी, पारा, इसका संकेत होता है Hg। ये क्या होता है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, थर्मामीटर में, कहाँ इस्तेमाल होता है, थर्मामीटर में, जिससे बुखार नापा जाता है, इस तरह से होता है, लंबा सा कांच का होता है, उसके अंदर रंगीन लाल रंग का या काले रंग का होता है। अगला है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो चाकू से कौन कौन सी धातुएं हैं जो आसानी से काटा जा सकता है, हमारा है सोडियम, सोडियम है और पोटेशियम है, सोडियम और ये पोटेशियम, ये क्या है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम धातु को, सोडियम और पोटेशियम, 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 सोडियम पोटेशियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालने से जलने लगता है, ये बहुत ही विस्फोटक धातु कहा जा सकता है। अगला है
ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है तांबा यानी कॉपर सीयू, और क्या दिया गया है सोना एजी। ये हमारी दो धातुएं हैं, ये है कॉपर, ये क्या है कॉपर, और ये हमारा है चांदी, ये हमारा क्या है चांदी। ये दो धातुएं हैं जो क्या होती हैं ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती। चालक का मतलब होता है इसमें ऊष्मा, जैसे ऊष्मा चालक का उपयोग खाना पकाने, बर्तन बनाने, जो बर्तन होता है बर्तन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ऊष्मा ऊष्मा सुचालक ज़्यादा होता है, इसलिए खाना पकाने में आसानी होता है, इसलिए कॉपर और चांदी के बर्तन में सबसे अच्छी तरह से भोजन पकेगा। अगला है ऊष्मा की कुचालक होती है, कौन सी धातु होती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है उसका उदाहरण देना है। ऊष्मा की कुचालक धातुएं धातु जो है दो दिया गया है एनसीईआरटी की किताब में, एक है हमारा लेड, क्या है लेड है, एक हमारा लेड है और दूसरा है इसका संकेत होता है पीबी, लेड है, और दूसरा है मरकरी। मरकरी मरकरी क्या होता है, मरकरी जो होता है एचजी, ये पारा इसे कहते हैं। ये दो धातुएं क्या माना जाता है विद्युत की कुचालक होती हैं, तो धातु होते हुए भी ये दो विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन नंबर दो है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा दो क्या कह रहा है, आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघात वर्ध का अर्थ हमको बताना है, आघात वर्ध, आघात वर्ध, आघात वर्ध का क्या अर्थ होता है। आघात माने होता है चोट पहुंचाना, क्या होता है चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना, और वर्ध मतलब, ये वर्ध का मतलब बढ़ना, चोट पहुंचाने के बाद क्या होता है बढ़ना, वर्ध का मतलब है बढ़ना। इस तरह से आघात वर्ध का अर्थ हो गया चोट पहुंचाकर बढ़ना। अगला है तन्य, तन्य का मतलब होता है, तन्य का अर्थ क्या होगा तन्य, तन्य का मतलब है तान, तान मतलब तान, तान का मतलब होता है खिंचाव, जैसे किसी डोरी में तान दिया जाता है, किसी वाद्य यंत्र में तान दिया जाता है, तान मतलब खिंचाव, 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 इस सब का अर्थ है, तान का अर्थ हो गया खिंचाव, आघात वर्धता का अर्थ चोट पहुंचाकर बढ़ाना। तो ये दो शब्दों का दो अर्थ निकला। धातुएं क्या होती हैं तन्य भी होती हैं और आघात वर्ध भी होती हैं। इस तरह से ये हमारा दूसरा उत्तर हो गया।